हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर दिस इज डिसीजन देखिए लास्ट लेक्चर वीडियो में दैट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट माय लेक्चर वीडियो डू टू टेक्निकल इशू सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस चलिए क्वेश्चन नंबर वन रीड करते हैं हरिओम लिमिटेड टू परचेज

आगे लिखा हुआ है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन ए इज टू ईयर्स वाइल इट इज थ्री ईयर्स फॉर द अदर टू द स्क्रैप वैल्यू आर सेवन थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंडीडिवली यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मोस्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड देखिए पे बैक पीरियड हमें लास्ट लेक्चर वीडियो में देखा हमने क्या देखा पे बैक पीरियड क्या था दैट मीन्स कौन सा प्रोजेक्ट हमें जो जल्दी पैसा रिकवर करके दे रहा है कौन सा पैसा रिकवर करके दे रहा है हम बात कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मान लीजिए अगर आपने किसी मशीन में दस लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो दस लाख रुपए आपके कितने साल में रिकवर हो जाएंगे तो हमें हमें जो डिसीजन लेना है यहाँ पर कौन, किस पे डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड याद रखना ये ये पे बैक पीरियड जो डिसीजन है वो कौन सा डिसीजन है ये हम बात हाँ कर रहे हैं ट्रेडिशनल टेक्निक की बात कर रहे हैं या इसको बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक राइट तो देखिए इसका सोल्यूशन मैंने किया होगा ऑलरेडी देखिए इनिशियल कैश आउट फॉर दैट मीन्स परचेज मशीन कितनी है सिक्स लाख ईच है आपकी जस्ट तो देखिए जो इनिशियल जो परचेज प्राइस है फॉर ईच मशीन कितना है दैट इज सिक्स लैख एट्टीस रुपये सिक्स लाख ईच है आपका इसके बाद सेल्स की मैंने आपको नाइन लाख एट लाख एटी फाइव एट लाख फिफ्टी थाउजेंड मैंने सब डायरेक्ट uh, एक्सपेंसेस और जो इंड एक्सपेंसेस सबको ऐड करके मैंने माइनस तो कर दिया एंड देन वी विल हैव प्रॉफिट बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स फाइव लाख एटी थाउजेंड फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव लाख थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है डेप्रशन मेथड आपको पता है यहाँ पर एस एल मेथड यूज़र है मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर देखोगे यहाँ पर कितनी गिवन आपको स्क्रैप वाली कीवन है सेवेंटी थाउजेंड अच्छा यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ जो है वो अलग अलग है तो क्या करना है सिक्स लाख माइनस सेवेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई टू राइट तो आपको गा गा is, A, 3, so machine, right? आपका जो डिप्रेशन रहेगा वो ई का कितना रहेगा दैट इज़ टू लैख सिक्सटी थाउजेंड फॉर मशीन ए वन एटी फाइव फॉर थ्री सो फॉर बी मशीन वन लैख एटी थाउजेंड मशीन सी राइट इसके बाद देखिए आपका इसमें टैक्स कीवन है फोर्टी परसेंट तो मैंने डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया प्रॉफिट ऑफ डिप्रेशन टैक्स फिर डिप्रेशन एड बैक करने के बाद वी विल हैव प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स ये आपके पास फाइनेंस आ गया टर्मिनल कैश इनफ्लो यानी कि स्क्राइप वाली आपको तीनों का ली ली हमें आप निकालना हमें देखिए पे बैक पीरियड देखिए पे बैक पीरियड का क्या होता है दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई सो या फिर एनुअल कैश इनफ्लो बाजी की है तो देखिये इनिशियल आर्ट कितना है सिक्स लाख सिक्स लाख सिक्स लाख सब्सिक्विट कैश इन्फ्लो देखिए कितना है देखिए जो इस मशीनरी की जो लाइफ है वो कितनी दो साल है तो हर साल देखिए कितना कैश जनरेट हो रहा है दैट इज़ like फिर मशीन बी जो है वो उसके तीन साल है हर साल कैश इनफ्लो कितना आ रहा है दिस मच अमाउंट सिमिलरली फॉर मशीन सी है ठीक है तो अब देखिए यहां पर आपको पे बैक पीरियड कैसे निकालना है ध्यान से देखिए ये मैंने कैसे निकाला ये वाला मेथड आप ध्यान से देखिए ये मैंने कैसे किया मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपको ध्यान से देखिए इसको देखिए मैं इसको ना एक बार आपको उसको रब कर देता हूँ ताकि आपको उसको समझ आए इजीली करना कैसे है देखिए आपको कितना अमाउंट आपको रिकवर करना दैट इज़ रुपये सिक्स लैख तो अगर आप इसका क्यूमरेटिव वैल्यू निकालोगे तो देखिए ये एक साल नहीं ये दो साल में तो रिकवर होगा पूर, ना तो ये एक साल पूरा लेगा एक साल में कितना अमाउंट आ रहा है दैट इज़ फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड तो एक साल में तो ये आपका रिकवर हो ही लेकिन दूसरे साल में आपके आपको, आपको ज़्यादा रिकवर हो जाएगा सो दैट मीन्स ये समवेयर जो आपका वन और टू के बीच में आएगा आपका ठीक है तो यानी कि वन तो है ही वन तो है ही प्लस कितना करेंगे देखिए छः लाख आपको चाहिए पहले साल में आपको कितना अमाउंट रिकवर हो गया सर फोर लाख फिफ्टी था फिफ्टी फोर थाउजेंड कितना और चाहिए आपको सर हमें चाहिए वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड हमें और चाहिए ठीक है लेकिन ये वन लाख फिफ्टी फोटी सिक्स थाउजेंड आपको कितने में से चाहिए नेक्स्ट अमाउंट कितना मिल रहा है आपको फोर लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है आपको फोर लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड दैट्स इट यही करना आपको वन प्लस पहले देखो आपको अब तक कितना पैसा मिल चुका है दैट इज फोर लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड रिक्वायरमेंट कितनी है आपको सिक्स लाख की है तो यानी कितना और मिलना बाकी आपको दिस मच अमाउंट बट कितने में से आपको नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा फोर लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड तो वो डिवाइड कर दो तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा ये वन पॉइंट थ्री टू ईयर्स फॉर मशीन ए सिमिलरली फॉर मशीन बी देखिए कैसे करना है आपको देखिए सिक्स लाख ,00 अमाउंट चाहिए ये आपका देखिए पहले अगर आप जब क्यूमिटिन्यू हो तो ये वही अगेन सेकेंड ईयर में एक्सीड कर रहा है अमाउंट तो वन प्लस इसके बाद सिक्स लाख ,00 में कितना अमाउंट रिकवर हो गया एक साल में थ्री एट्टी सिक्स थाउजेंड सो सिक्स लैख माइनस थ्री लैख एटी थाउजेंड कितना और अमाउंट चाहिए आपको टू लैख फोर्टीन थाउजेंड कितने में से नेक्स्ट ईयर आपको कितना अमाउंट मिल रहा है थ्री लैख एटी सिक्स थाउजेंड सो बस आपका पे बैक पेरियड कितना हो गया वन पॉइंट फाइव फाइव ईयरस सिमली फॉर दिस अब आपको रैंक कर रहे हैं जि, जितना कम हो गया यानी कि जितना जल्दी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है उसको रैंक वन देनी है तो मशीन ए रैंक वन मशीन टू रैंक टू मशीन थ्री मशीन मशीन बी रैंक थ्री राइट ईजी right. है बस थोड़ा ध्यान देना है आपको कि पेड का मतलब क्या होता है उसको कैसे निकालते हैं मशीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैज फॉर मशीन अंडरेशन द रिलेवेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग एस्टिटेड इयरली एक्सपेंडिचर एनसेस बिलो

तो बस पहले तो आपको मेन काम है कि आपको सबसे क्यों कैश इन्फ्लो निकालना है तो देखिए सबके जो सबसे है वही से वो आपको। जैसा तो करता है रहते हैं आपको पेड़ निकालना देखिए आपको आपको कितना अमाउंट इनिशियल कितनी है देखिए पहले मशीन की देखिए तीस लाख हर साल कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव फोर तो यानी कि ये तो एक साल और दो साल के बीच में होगा ठीक है अब क्या करना है आपको तीस लाख में से ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव फोर माइनस कर दो दैट मीन्स कितना और से आपको फोर पॉइंट फोर सिक्स कितने में से ट्वेंटी फाइव फोर पॉइंट फाइव सिक्स तो बस वन पॉइंट वन सेवन तो बस उसके बाद आपने रैंक असाइन कर दी रैंक वन टू थ्री एंड फोर दैट्स इट सो दैट मीन्स आप नीचे पर कमेंट लिखना भी है आपको दैट मशीन ए शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज for फॉर मशीन ए इज All right. चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपका जो ए आर रहा है पहले मैं आपको ए आर आर समझाता हूँ कि ए आर आर होता क्या है लेकिन नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड A -R -R, that is, इसको बोलते हम या की बात है लेकिन मैं बोलूंगा मैं हमेशा आपको इसको ना पढ़ लो तो इस तरह ऐसा पढ़ो दैट इज एवरेज नेट मेथड निकालना होगा बुक में लिखा नहीं गई बट अगर आपको उसके मतलब अच्छी मतलब समझना है रियल मतलब समझना है तो आपको इसी मतलब समझना पड़ेगा कि इसको मैं क्या बताते हैं राइट देखिए एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने के आपके दो मेथड होते हैं जो फर्स्ट मेथड है वो कब निकालते हैं दैट बेस्ड ऑन एस एल एम यानी कि स्टेट एल मेथड है तब आपको देखिए एआरआर आर आर जो है कैसे निकालना है आपको निकालना है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं यानी कि तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट देन सेकेंड मेथड आपका हो जाएगा वेन डेप्रिसिएशन डब्लू डी बी मेथड उस केस में आपको देखिए ए आर आर कैसे निकालना है नोमिनेटर आपका सेम रहेगा एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपको लेना है एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है यही देखना है आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मीन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई टू यानी कि इनिशियल जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब आपने उसमें कितना पैसा लगाया था वो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस करना है आपको जो क्लोजिंग में उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट जितनी वैल्यू थी स्क्रैप वैल्यू है ठीक है वो करना है आपको ऐड करना है डिवाइड बाई टू बट इसके मेथड और भी होते हैं तो इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे वन बाय वन आराम से पहले डिस्कस करते हैं कि ये ए आर होता क्या है देखिए अभी हमने जो प्रीवियस मेथड पढ़ा था दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड हम पढ़ रहे हैं पहले हमने पढ़ा पे बैक पीरियड जिसमें हमने देखा कि वो प्रोजेक्ट हम वो ऑप्ट करते हैं जिसको हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो जो जल्दी से जल्दी हमें रिकवर करके देख देता है उसको हम ऑप्ट कर लेते हैं अब बात करते हैं एव ए की देखिए सीधी सी बात है कोई अगर कंपनी या कोई बिजनेस है वो बिज़नेस करता है किसे दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट तो वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगाता है जितनी बिल लगा रहा है उससे वो कितना कमा पा रहा है ठीक है यानी कि कितना वो रिटर्न कमा पा रहा है तो उसके बेस हम डिजन लेंगे तो उसके बोलते हैं एवरेज Right. नेट प्रॉफ़िट मेथड ऑल राइट अब क्वेश्चन यार सर ये नेट चलो एवरेज इन्वेस्टमेंट चलो हमें बाद में समझ लेंगे पहले एवरेज नेट प्रॉफिट समझना है आपको बहुत ध्यान से देखिए एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना कैसे है ये हम निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं ऑलरेडी सीख चुके हैं अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन भी देखोगे इसमें भी आप नेट प्रॉफिट निकाल चुके हो सर कौन सा वाला हमने तो दिख नहीं रहा ये देखिए ये है आपका नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन इंटेक्स यानी कि बस क्या करना है आपको प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन निकालना है सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स जैसे देखिए इसके इसके में कि आपका इन सब वैल्यूज को आप ऐड करोगे डिवाइड बाय फोर करोगे अगर चार साल तक आपको मिल रहा है प्रॉफिट तो डिवाइड बाय फोर करके आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट नेट सेट बस गलती ये मत करना इसमें आप डिप्रेशन एड मा देखिए सीधी सी बात हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की है?

चलिए नाउ लेट सी द्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज टेन लैख अर्निंग बिफोर डेप्रिशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ई बी आई ई बी आई टी डी ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइव ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर लैख फाइव लैख अज्यूम थर्टी थ्री पॉइंट नाइन एन टैक्स एंड थर्टी परसेंट डेप्रिशिएशन ऑन डब्ल्यू डी वी मेथड ऑन डब्ल्यू डी वी मेथड देखिए और हमें क्या करना करना है कैलकुलेट यानी हमें सेकंड मेथड करना है बिकॉज ये डब्ल्यू डी बी मेथड है तो देखिए ध्यान से देखेंगे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपको सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा उसमें देखिए पहले हम देखते हैं आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका ये फॉर्मूला है आपका इस केस में आपका एवरेज नेट प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये आपका अब पहले हम देख रहे हैं कि एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको देखिए हमें क्या निकालना है सबसे क्या कैश इनफ्लो तो देखिए आपके पास आपके पास गिवन आपको दैट इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड फॉर फॉर वन ईयर फॉर हाँ हर साल आपको देखिए कैश जनरेट हो रहा है दैट इज़ टू फिफ्टी थाउजेंड थ्री लैख थ्री लाइफ फिफ्टी थाउजेंड फोर लैख एंड फाइव लैक आपको देखिए यहाँ पर कह गए आपको डब्ल्यू डी वी मेथड इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी है टेन लैख ठीक है तो थ्री लैख फॉर दन ईयर दैन टू लैख टेन थाउजेंड तो कम होता जाएगा आपका ये वैल्यू ठीक है आपने कहा लिया अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स माइनस करके आपका वैल्यू कितना है देखिए फिफ्टी थाउजेंड इन नेगेटिव फॉर द फर्स्ट ईयर देन सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर फॉर द ई ईयर वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड फॉर थर्ड ईयर एंड सो ऑन अब बात करते हैं हम एवरेज नेट प्रॉफिट की अच्छा इसमें ना आपको एक केस देखना है देखिए अर्निंग बिफोर जो टैक्स है आपका यहाँ पर ये ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका था और ये पॉजिटिव है आपका नाइनटी थाउजेंड टू अमाउंट अब टैक्स तो आप इसी करोगे लेकिन सर ये तो लॉस है इस पर तो आप टैक्स देंगे ही नहीं बिल्कुल लॉस लॉस पे तो पर टैक्स देते नहीं हम तो प्रॉफिट ही देते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स तो ये तो वैल्यू ही है लेकिन जब आप इसका जब आप टैक्स कैलू करोगे नाइनटी थाउजेंड का कितना परसेंट होगा थर्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट तो कितना लोगे देखो अगर आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा पी चैप्टर है और उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था इनकम टैक्स में दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ तो सेटअप में हमने क्या पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर का लॉस जो है हम करंट ईयर में भी हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं तो ये जो तो लॉस है फिफ्टी थाउजेंड ये करंट ईयर के प्रॉफिट से वो सेट ऑफ हो जाएगा यानी कि नाइन थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड तो कितना हुआ चालीस हज़ार राइट अब चालीस हज़ार का टैक्स कितना हुआ थर्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट वो निकालना है उसके बाद ये वैल्यू आएगा फिर मैं देख देता हूँ यहाँ पर देखिए चालीस हज़ार का जो वैल्यू आपकी आएगी दैट इज मैं टैक्स लिख वैल्यू दे देता हूँ वो आएगा वन थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स ये आपको लेस करना है चालीस हज़ार रुपये सेटअप करने के बाद

मेथड होते हैं आपके अगर एस एल एम है तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और अगर ये डब्ल्यू डी मेथड है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू फॉर ईच ईयर देखिए फर्स्ट ईयर में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी दस लाख एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी सात लाख सर कैसे आई आपने कैसे निकाला भाई मशीनरी करी तो दस लाख की हर साल डेब्यूशन कितना हो रहा है तीस लाख का ये सॉरी तीस परसेंट का ठीक है तो यानी कि दस लाख में से तीन लाख माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कितना रह गया सेवन लाख फिर ये इसका ओपनिंग बन जाएगा आपका सेवन लाख सेवन लाख का जो क्लोजिंग कितना बचेगा दैट इज फोर पॉइंट नाइन फिर ये इसका ओपनिंग बन जाएगा एंड दैट कीप्स गो ऑन ठीक है एवरेज निकालना है आपको कैसे निकालना है टेन लाख प्लस सेवन लाख डिड बाई टू दैट इज एट लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लैख प्लस फोर लैख नाइनटी थाउजेंड बाई टू कमिंग टू फोर फाइव लैख नाइन थाउजेंड सारी वैल्यूज करना इसके बाद ऐड करनी ये ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आगे फोर लैख सेवेंटी फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन दैट्स ये वैल्यूज हमने आपको लिख दी तो आपके पास ए आर कितना आ गया दैट इज राइट सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या कैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बट हमने कैसे कैसे पढ़ा इसको एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड ताकि आपको इसमें हम आपको पता चले कि हमेशा आपको नेट प्रॉफिट चाहिए अगर आप ये याद नहीं क्या करो आप डिपेशन ऐड करोगे फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इस अच्छा आपको हमेशा ऐसे याद करो एवरेज नेट प्रॉफिट मैथड ऑल राइट सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर क्वेश्चन I hope you have understood very well. Thank you.